पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं वेद सिंह, और आज हम नहले पे दहला में बाबा से जानेंगे कि रुपौली की जीत हार तय करेगा 72 घंटे के बाद नीतीश कुमार का भविष्य। आखिरकार क्या है इस बात के पीछे का मुद्दा, चलिए बाबा से जानते हैं। क्या कहना है बाबा पे इस पे? देखिए वेद, लगातार आप रुपौली से होकर के आए हैं, तो बेहतर होगा कि रुपौली में जो कुछ भी हो रहा है उसकी आप थोड़ा सा ले आउट कर दें, क्योंकि रुपौली का चुनाव आने वाले कई चुनावों का भविष्य तय करेगा। तो हम आपसे पूछेंगे कि रुपौली में क्या क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज सुबह वोटिंग शुरू हो चुकी है और 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग आज चल रही है। इसमें कई राज्य शामिल हैं जिसमें चुनाव होना है या फिर चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से उत्तराखंड की जो सीट है उस पर चुनाव होना है, पंजाब, बंगाल, तमिलनाडु। जैसे उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड की 1 सीट पर है, पंजाब में 2 सीट पर चुनाव है, बंगाल की 1 सीट पर, बंगाल की 4 सीट पर चुनाव है, तमिलनाडु की 1 सीट पर चुनाव है, हिमाचल की 3 सीट पर चुनाव है, बिहार की 1 सीट पर चुनाव है, और इसके रिजल्ट जो है वो 13 तारीख को आएंगे। लेकिन इस 72 घंटे में बिहार की राजनीति किधर शिफ्ट करेगी, क्या कुछ होगा, इस पर मंथन का दौर जारी है। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देना जरूरी समझते हैं कि आखिर ये सीटें खाली क्यों हुई हैं। तो रुपौली में बिहार की जो सीट है वो बीमा भारती के इस्तीफा के बाद खाली हुई। हमने कई बार बताया भी है कि बीमा भारती ने जब लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पे किया तो उन्हें जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा देना पड़ा था। इसी तरह से कई ऐसे सीट हैं जहां पर विधायकों के इस्तीफा के बाद ये अवसर आया है जिसमें उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ सबसे ज्यादा हम रुपौली की चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं कि यहाँ पर एनडीए और महागठबंधन आमने सामने तो है ही, लेकिन पूर्णिया में जिस तरह का माहौल बना था, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में लोकसभा चुनाव में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद एक बार फिर से चुनावी मैदान में एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है। रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी जिस तरह से तेज हुई थी और आज वोटिंग भी हो रही है, आमने सामने आपने देखा होगा कि सभी दिग्गज नेता आ गए थे। तो एक बार फिर से अब यहाँ जनता को फैसला करना है। ये वही जनता है जो आज से एक महीने से कुछ दिन पहले ये तय कर चुकी है कि वहां पूर्णिया में कोई दल नहीं, कोई गठबंधन नहीं, बल्कि निर्दलीय जीतेगा। और यहाँ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एनडीए के प्रत्याशी जो है कलाधर मंडल, उनके सामने महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की राष्ट्रीय जनता दल से बीमा भारती हैं। अब ये पूरी कहानी जो है कहीं ना कहीं दो लोगों के इर्द गिर्द घूम रही थी और दोनों ही गंगोत समाज से आते हैं। लेकिन इसी बीच में एक और बात सामने आई है, वो है शंकर सिंह। शंकर सिंह इस चुनाव में कहीं ना कहीं तीसरा एंगल पैदा कर रहे हैं, और तीसरा एंगल पैदा करने के बाद जब ये पूरी कहानी अपने हिसाब से लिखी जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये चुनाव शिफ्ट करेगा। इसको लेकर के ये भी बातें कही जा रही है कि कई लोग इस पर अपनी अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। खास करके अगर बात करें तो जैसा कि हम पहले आपको बता रहे थे कि रुपौली की जीत हार तय करेगी 72 घंटे बाद नीतीश का भविष्य, हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से महागठबंधन में वन मैन आर्मी है, आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव वहां वन मैन आर्मी की तरह है, और एनडीए में कई लोग अपनी अपनी किस्मत आजमाए हैं, लोकसभा में भी अपना छाप छोड़े हैं और अब नीतीश कुमार के साथ इस चुनाव में भी खड़े नजर आ रहे हैं। इन सारी बातों को अगर बहुत गौर से देखा जाए, गंभीरता के साथ देखा जाए, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव हैं। चुनाव चाहे वो किसी भी राज्य में हो, पश्चिम बंगाल में हो, या फिर चुनाव हिमाचल प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, या अन्य राज्यों में हो, उत्तराखंड में हो, हरियाणा में हो, तमिलनाडु में हो, ये सभी चुनाव और बिहार के चुनाव में बड़ा ही अंतर नजर आ रहा है। और ये अंतर पैदा करता है नीतीश कुमार के साथ इन सभी दल के नेताओं का होना। आपने देखा होगा कि किस तरह से चुनाव प्रचार में भी बहुत सारी बातें देखने को मिली। चुनाव प्रचार के दौरान भी जब आपने देखा होगा, आप तो वहां मौजूद थे, कि चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, उन सारी परिस्थितियों को अगर ध्यान से देखा जाए तो इस चुनाव में एक बात तो साफ नजर आई कि फिर से एक बार लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए एकजुट नजर आया। और अगर एनडीए एकजुट नजर आया है तो निश्चित रूप से इस चुनाव में परिणाम निकालने की कोशिश की जा रही है।
आपने देखा कि जिस तरह से आप वहाँ मौजूद थे और आपसे हमारी बातचीत हो रही थी, तो आपने बताया कि किस तरह से तेजस्वी यादव वहाँ गए थे चुनाव प्रचार करने, लेकिन वो फिर से उन्हीं बातों को दोहराने लगे जो बातें लगातार चल रही थी। एक सीट का चुनाव था और पूरे देश भर की चर्चाएं शुरू हो गई, भ्रष्टाचार से लेकर के बाकी सब चीजें चर्चा हो गई, विकास की बात कम हुई और वहाँ क्यों जीतना चाहिए बीमा भारती को ये सब बातें कम हुई। वहीं आपने एनडीए को देखा कि एनडीए लगातार ये बात कह रही थी कि 20 साल से एक ही यहाँ विधायक हैं बीमा भारती और यहाँ के विकास कहीं ना कहीं पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पप्पू यादव की भूमिका इसमें बहुत बड़ी है और पप्पू यादव ही वो फैक्टर है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में एक अंतर पैदा कर दिए थे। उन्होंने अंतर ऐसा पैदा कर दिया था कि यही बीमा भारती हैं जिनको उन्होंने हराया था, जिनकी जमानत तक नहीं बच पाई थी, जनता दल यूनाइटेड के साथ उनकी सीधी टक्कर हुई थी। इस बार भी कलाधर मंडल बीमा भारती के बीच में एक ऐसे ही शख्स शंकर सिंह हैं। शंकर सिंह ने शुरुआती दौर में ये बात कही थी कि वो उनको सपोर्ट मिलेगा पप्पू यादव का। पप्पू यादव वर्तमान में वहां के सांसद हैं, हालांकि उन्होंने ये बात अनाउंस किया है कि वो बीमा भारती को सपोर्ट करते हैं और एक बार फिर से बीमा भारती को मौका देना चाहते हैं, वहां रुपौली का विकास वो करना चाहते हैं। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं बिहार के रुपौली का जो आमने सामने का टक्कर है ये त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है और यही आदर के नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा फंस गई है। बाबा मैं जब वहां से रुपौली से होके अभी आया हूं तो जब मैं जनता से वहां पे बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर एक चीज कहा है कि जब तक बीमा भारती जब एनडीए के साथ थी तो विकास नहीं हो पाया, अब आरजेडी के साथ आई है तो फिर से उनको मौका देने की बात कह रहे हैं वहाँ की जनता। अब जनता किस आधार पर कह रही है ये अलग बात है, लेकिन जब सरकार में रह करके वो विकास नहीं कर पाई तो विपक्ष में रह करके कितना विकास कर पाएंगे ये तो अच्छी तरह से हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। जी जी, अब हाँ ठीक है, बीमा भारती का वहाँ एक सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, सपोर्ट सिस्टम है तभी तो वो चार बार से जीत करके आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि भीतर खाने में बातें कुछ और चल रही हैं, डबल इंजन की सरकार की बात चल रही है और आपने देखा होगा कि रुपौली जाने से पहले चिराग पासवान किस तरह से नीतीश कुमार से मिल करके आए और नीतीश कुमार कितना खुश थे उनके कार्यशैली से, उनके क्रियाकलाप से, ये भी साफ नजर आया। कल नमन जी ने एक खबर भी किया पंचनामा में, हम चाहेंगे कि लोग जाकर के देखें कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है और चिराग पासवान की भूमिका किस तरह से बढ़ी है जिसमें नीतीश कुमार ने भी उसको हामी भरी है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और जिस तरह से रुपौली में सब कुछ चल रहा है, सिर्फ रुपौली की ही बात नहीं है, रुपौली चुनाव खत्म होते ही आप देखिएगा कि बिहार में 4 सीटें जो विधानसभा की खाली हुई है उस पर भी अब नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा शुरू होगी। लेकिन एक बात आप तय मान के चलिए कि रुपौली एक प्रतिष्ठा का सीट बन गया है क्योंकि ये सीट जनता दल यूनाइटेड का था और इस पर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए उनके एनडीए के घटक दल के नेता वहां कैंप कर रहे थे। आज वोटिंग हो रही है और वोटिंग करने जाने वाली जनता के बीच किस तरह का संदेश दे पाई है दोनों गठबंधन, ये बड़ा ही दिलचस्प होगा। वहीं शंकर सिंह ने जिस तरह से इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है, उनका सीधा कहना था कि वो जिस तरह से पप्पू यादव निर्दलीय लड़े और उनको जनता ने कहा कि नहीं आप आइए और लड़िए, उसी तरह से यहाँ की जनता ने हमें भी कहा है कि आइए और चुनाव लड़िए, इस क्षेत्र को विकास की जरूरत है। इससे पहले हम आपको बता दें कि कुछ ही पल क्षण के लिए लेकिन शंकर सिंह ने वहां काम करके दिखलाया है, वहां के लोगों के बीच में वो रहे हैं। इससे पहले वो लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हुआ करते थे और वहां से चुनाव जीते भी थे। खैर इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें ये लड़ाई क्योंकि एक ही जाति के दोनों ही गठबंधन के नेता हैं तो ऐसे में शंकर सिंह की भूमिका क्या होगी और नीतीश कुमार और एनडीए इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, क्योंकि 2025 के चुनाव में नेता का चयन होना है, कौन बिहार की गद्दी पर बैठेगा इसका चयन होना है और अगर नीतीश कुमार ये चुनाव जीत जाते हैं एनडीए के घटक दल के सपोर्ट के साथ तो निश्चित रूप से एक बात तो साफ साफ हो जाएगी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार में अभी भी मादा है, दम है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से रुपौली की सभा में जाकर के गरजे और उन्होंने पूरा का पूरा पत्ता खोल दिया, ये बताता है कि नीतीश कुमार में अभी बहुत राजनीति बची हुई है। नीतीश कुमार ने इससे पहले भी 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से जबरदस्त प्रदर्शन किया। अब जबकि रुपौली में विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा गंगोत समाज से लोग आते हैं और इस समाज से बीमा भारती के साथ साथ कलाधर मंडल दोनों आते हैं तो निश्चित रूप से ये लड़ाई कड़ी होगी। लेकिन इस लड़ाई में अंतर पैदा करने के लिए एक तो शंकर सिंह और दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल के जो साथी हैं जो बिना शर्त
समर्थन करने के लिए नीतीश कुमार को तैयार बैठे हैं और उन्होंने किया भी है, इसको लेकर के अंतर पैदा हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक वाहिद चुनाव है, हालांकि 13 सीटों पे और चुनाव देश भर में हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक बार फिर से बिहार का रुपौली सीट हो गया है। और इसके पीछे का कारण है कि आने वाले 2025 के चुनाव में इस सीट पर चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार की भूमिका आने वाले 2025 के चुनाव के लिए जो 243 सीटों पर होना है उस पर क्या होगी, और बाकी की जो 4 सीटें खाली हुई है विधानसभा की उस पर क्या होगी, इसी को लेकर के मंथन चल रहा है। और 72 घंटे के बाद जब परिणाम आएगा 13 तारीख को तो ये भी पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार का ऊंट किस करवट बैठता है। चलिए, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस प्रकार बाबा ने बताया नहले पे दहला में कि रुपौली का उपचुनाव आखिरकार क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार जी का ताक जो है वो अभी दांव पे लगा है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी इस बार एरी से चोटी तक का जोर लगा दिए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 13 जुलाई को रुपौली उपचुनाव का परिणाम आएगा। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहें भारत लाइव के साथ, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।